नमस्कार। आज हम आलू के पापड़ बनाएंगे। इसके लिए मैंने आलू कच्चे आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है और हम इनको काट के तैयार करेंगे। फिर आपको बताएंगे देखिए किस तरह से हमको इसको बनाना है। ये देखिए, और इसको हमें छोटे छोटे पीस करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने, क्योंकि हम इनको काटने के बाद ग्राइंडर में पीसेंगे, इसलिए छोटे पीस करेंगे। तो ये फाइन पेस्ट हमको इसको बनाना है तो अच्छा बन जाएगा। इस तरह से हम सब पीस काट करके इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आलूओं को ये छोटा छोटा काट लिया और पानी में इसलिए रखा है कि ये काले ना पड़ जाएं, और हम इनको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको पीसेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें हमें इसमें डालना है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमारा पीस के ये तैयार हो गया है, और हम इसको इसमें पलट लेंगे। और जितना हमारा ये बैटर है, इससे डबल हमको इसमें पानी डालना है, तो इसी जार में हम करके पानी डालेंगे। और इतना ही पानी हमें और डालना है, और इतना ही पानी हम और डाल देंगे। जितना हमारा बैटर था, उतना ही पानी हमने इसमें और डाल दिया। ये देखिए, और इस तरह का ये हमारा तैयार हो गया, और हम इसको पकने के लिए रखेंगे। और पानी हमने जब आलू पीसे हैं, तो हमने आलू पीसते में इसका 100 ग्राम पानी का हमने इस्तेमाल किया था। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए, हमने इसको मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दिया है, और इसको हम लगातार चलाएंगे, नहीं तो नीचे ये लग जाएगा। ये बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए हमें लगातार इसको चलाना है। जब तक ये खोल नहीं आ जाएगा, तब तक हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा इतना गाढ़ा तैयार हो गया है ये। देखिए, अब इसमें हम नमक डालेंगे, और नमक बहुत थोड़ा सा डालना है, क्योंकि आलूओं में नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये फूल के इतना हो गया, लेकिन आलू इतने ज़्यादा नहीं है। और जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अभी हम इसको और गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, इस तरह का हमारा तैयार हो गया है, इसको अभी हमें लगातार चलाना है। इसी तरह से हम लगातार चलाएंगे, और अभी और गाढ़ा करेंगे हम इसको। ये देखिए, हमारे पक्के आलू तैयार हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इतना गाढ़ा चाहिए, ये हमारे तैयार हो गए हैं। हम इसे नीचे उतार लेंगे, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम बनाएंगे। ये हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब ठंडा हो गया है थोड़ा, हम इसको यहाँ बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बना लेंगे। ये अब हम रेड कलर में बनाएंगे। ये रेड कलर मैंने लिया है। ये देखिए, ऑरेंज कलर हमने बनाया है, इसको अब हम इस कलर के बनाएंगे। इसी तरह से हम सब बना लेंगे। अब हम ग्रीन कलर के बनाएंगे। देखिए, अब हमने ग्रीन कलर मिला लिया इसमें, हम ग्रीन कलर के बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए, अब हम ग्रीन कलर के बनाएंगे। इसी तरह से हम सब बना लेंगे। देखिए, अब हम येलो कलर के बनाएंगे, और इसमें हम येलो कलर मिला देंगे इस तरह से। हम सुबह में इस तरह से येलो कलर मिला लेंगे इसमें। अच्छी तरह से मिला लेना। देखिए, अब हम येलो कलर के बनाएंगे। इसी तरह से हम सब बना लेंगे। ये देखिए, हमारे आलू के पापड़ बनके सभी तैयार हो गए हैं। ये 4 कलर के, ये देखिए व्हाइट कलर है,
ऑरेंज, ग्रीन और येलो सभी बनके तैयार हो गए हैं। इनको हम पंखे की हवा में ही सुखाएंगे और जब ये सूख जाएंगे तब हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह के तैयार हुए हैं। देखिए हमारे आलू के कलर्ड पापड़ बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, सूख गए हैं ये, और इनको सूखने में 20 घंटे का समय लगा। और देखिए कितने सुंदर और कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये हम आपको कलर भी वाले दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और आपको अब भून के दिखाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और हम आपको पापड़ भून के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से तैयार होगा आलू का है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब हम आपको येलो कलर का दिखा रहे हैं। कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और ये देखिए ग्रीन कलर, ये देखिए। और हम ये व्हाइट कलर का दिखाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं हमारे, ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए हमने पापड़ भून के तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितने मुलायम बने हैं। ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना मुलायम पापड़ बना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बना है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।